Bell Bottoms. फिर टली अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की रिलीज। मेकर्स ने बनाया 3D में रिलीज करने का मन। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की रिलीज का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा है। कुछ ही समय पहले अक्षय कुमार ने अपनी इस स्पाई ड्रामा की रिलीज का ऐलान किया था। अक्षय ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर बताया था कि प्लेन हाईजैक पर आधारित उनकी ये स्पाई ड्रामा इसी महीने 27 जुलाई को दुनिया भर में एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। अक्षय की फिल्म की रिलीज की तारीख का ऐलान करते ही ऑडियंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिला था। महामारी और लॉकडाउन के चलते घाटे में डूबी फिल्म इंडस्ट्री को इस फिल्म से अच्छे दिन लौट आने की उम्मीद बंधी थी। हालांकि अब लगता है कि इन उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। जी हां, अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बेल बॉटम की रिलीज डेट एक बार फिर टल गई है। जैसा कि सबको पता है कि फिल्म के मेकर्स अपनी इस बड़ी फिल्म को सीधा थिएटर में ही रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा हो पाना मुश्किल ही लग रहा है। थिएटर्स अभी भी बंद हैं। ऐसे में रिपोर्ट्स है कि मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को 27 जुलाई से आगे खिसकाने की प्लानिंग की है। हालांकि अभी किसी अन्य डेट पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ ही फिल्म में किए जा रहे एक बड़े बदलाव की भी खबर सामने आ रही है। खबरें हैं कि दर्शकों को रोमांच को बढ़ाने के लिए इस जासूसी ड्रामा को अब 3D में रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अक्षय कुमार, भगनानी, रंजीत तिवारी और बेल बॉटम की पूरी टीम को लगता है कि इस फिल्म को 3D में रिलीज कर दर्शकों की एक्साइटमेंट और उनके अनुभव को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है और पूरी फिल्म को अब 3D में बड़े पर्दे पर एंटरटेनर के रूप में तैयार किया जा रहा है। मेकर्स ये मानकर चल रहे हैं कि देश प्रेम की भावना से भरी इस फिल्म को रिलीज करने का सबसे सही समय इंडिपेंडेंस डे ही होगा। अब इसी नए टारगेट को लक्ष्य बनाकर फिल्म के साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड स्कोर पर ध्यान दिया जा रहा है। फिल्म को 3D वर्जन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक फिल्म देखने के लिए सीधा थिएटर्स में पहुंचे।